गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड आवर गेस्ट इज हियर. एंड सी इट इज ऑलवेज वेरी गुड जब आपके गेस्ट जो होते हैं ना वो आपके शो के लिसनर भी होते हैं. और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं इनसे मेरी अभी रिसेंटली एक इवेंट पे मुलाकात हुई थी एट द लॉन्च ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल लीग और ही रिकॉग्नाइज मी. ही वाज काइंड इनफ, ही सेड यू आर अदील अजहर राइट. मैंने कहा ठीक है जी बिल्कुल. तो पता ही चला कि जी हमारे शो के ये बड़े रेगुलर लिसनर भी होते हैं और उन्होंने कहा था कि आई विल कम टू योर शो, मैं एक दिन आपके शो में आऊंगा. मैंने कहा कोशिश करके देख लें आप, लेकिन उन्होंने कोशिश करके देख ली एंड हियर ही इज राइट नाउ. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वेलकम मिस्टर फरहान मोहम्मद हारून हु इज द सीईओ एंड जनरल मैनेजर हेलियन पाकिस्तान व्हिच इज फॉर्मली जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर. अस्सलाम वालेकुम फरहान. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड फरहान. थोड़ा सा माइक अगर आप अपने करीब ले आएंगे आई एम श्योर की आवाज और बेहतर आ जाएगी. हाँ अगर या चलें जी सर, वेलकम टू द स्टूडियो. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई थिंक वी मेट अ मंथ बैक. आई थिंक इट्स या मंथ बैक. इतनी ही गर्मी थी, एक बहुत ही गर्म दिन था और हम दोनों कोट पहने हुए पसीने में शराबोर थे एक सब्जाजार में. लेकिन फरहान सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल कीजिए बिकॉज आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म दैट योर कंपनी हेलियन पाकिस्तान आज अपनी दूसरी सालगिरह मना रही है. जी तो बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच. हेलियन का तो दो साल हो गए बट द ब्रांड्स दैट हेलियन हैज इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड आर वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी वेरी पावरफुल. आई थिंक देयर इज नो हाउस होल्ड एटलीस्ट इन पाकिस्तान जहां पे हमारे ब्रांड्स नाउ, फॉर एग्जांपल पैनाडोल, सेंसोडाइन, सीसी 1000 प्लस, दीज 1000 प्लस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ गर्मियां एंड हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. Other than that, we have Parodontax, Eno, we used to have Iodex, Hydrozole. These are really big household brands. Absolutely, absolutely. I think ye to wo hain, Ouch, Iodex and all. Ye wo brand hain jiske saath we have grown up with. And CAC 1000, humare bachcho ki badi favorite hai because humare bachche cold drink nahi pee sakte. So that's the closest that they can get to a fizzy drink. Aur usme phir aap ne jo flavors wagaira karwaye jisme mujhe ice cream soda bahut pasand hai, I've got to say. So, this was GSK ka ek division earlier. What brought to this switch? Like GSK sitting some Lord Falana Mountbatten sitting in UK decided, yeah, let's get away with this consumer health business, let's focus on the other thing. Yeah, is it still indirectly a part somewhere of GlaxoSmithKline? So, GlaxoSmithKline or GSK globally had four businesses. One was pharmaceutical, second was vaccines, third HIV, which is big in certain parts of the world, and the fourth one was consumer healthcare. Chee. So it was decided that consumer healthcare, because hum bilkul nayi industry mein, ek different industry mein operate karte hain, so it was decided ki isko alag se list kara liye. Right. So we were listed in New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Pakistan Stock Exchange as well, and few other countries. Her country ka portfolio different tha. बट जो बाकी तीन बिजनेस थे यानी एच आई वी, वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल्स वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में ही रह गए. एंड देन वी हैड अ न्यू कंपनी हेलियन. वी आर द लार्जेस्ट सेल्फ केयर कंपनी इन द वर्ल्ड एंड वी आर द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ केयर पोर्टफोलियो इन पाकिस्तान एज वेल. राइट. सो सेल्फ केयर इज समथिंग जिस पे हम आगे चल के जरा तफसील से बात करेंगे. लेकिन स्टेइंग विद हेलियन, सो आर यू स्टिल लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? जी जी जी, वी वर ऑलवेज, आई मीन वी हैव बीन लिस्टेड सिंस 2015. Yeah. But naam hamara obviously change ho gaya two years back. So now a year and a half back, wo procedural requirements hoti hai. But we have been independent for the last I think 9 years. Right. Before that also, because consumer healthcare itna bada business tha, to globally ya jo local Pakistan ke andar jo performance ke results hote hain, jo listed entities ke hote hain, wo we were always available in terms of information. We were listed in 2015. You were listed in 2015, and मैं जरा, अब आपने stock market का जिक्र हुआ, मैं जरा share price वगैरह भी देख रहा हूँ. आप लोग कैसी जा रही है? How's it going by the way? Well, it has been good. Have you been a part of this boom the stock market has seen in the past year? You know, I come from a Maiman family. MashaAllah. तो हमारी family में this is something. अगर कोई stock exchange में नहीं है या नुकसान नहीं किया उसने या फायदा नहीं किया तो अच्छा. अब ये जरा सुन ले, मैं आई आस्क चैट जीपीटी राइट नाउ, टेल मी अबाउट द शेयर प्राइस ऑफ हेलियन पाकिस्तान. इट सेज द स्टॉक हैज एक्सपीरियंस अ सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सिमेटली 67% सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. वेल डन. ओवर द पास्ट 3 years द ओवरऑल चेंज हैज बीन अराउंड 27.24%. आई शुड हैव आस्क्ड अबाउट द डिविडेंड यील्ड एज वेल. यू गाइस पे डिविडेंड बाय द वे? सो
आई एम सॉरी, ये मैं क्या करूं, अब मेमन बा से बात कर रहा हूं तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें ना. सो इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स आपको अंदाजा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन, वॉल्यूम्स वर डाउन, देयर वाज अ टाइम व्हेन पैनाडोल का फोर्स मेजर भी हुआ था 2 years back. सो देयर वर चैलेंजेस जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वाज एट चैलेंज, बट नाउ वी आर बैक. क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, क्वार्टर 2 वी कांट टॉक अबाउट इट बिकॉज़ वी आर अ लिस्टेड एंटिटी. मगर वी हैव नॉट पेड डिविडेंड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, बट there were 2 reasons. One, हमारे economic company के जो challenges थे because of the product portfolio. दूसरा, we were expanding. So what we have done is very recently, हम हमारा जो main manufacturing unit है is at Jam Showroom. जी. We have invested about $12 million, जिसके अंदर top brands के अंदर हम major expansion पे जा रहे हैं. हम पाकिस्तान में इस वक्त 6 billion Panadol tablets बेचते हैं. Right. The capacity now we will have is nearly 8 billion in Jamshor aur baki hamare CMOs ke paas 1 billion aur. So we want to reach to 9 billion tablets. Okay. And the other one is CAC 1000 plus. We have started exporting to a lot of countries and we have humne wo jo journey hai export ki, jo 1-1.5 saal pehle jab hum challenges hue the import ke, LCs ke issues the not. So at that point of time Helion and a lot of pharmaceutical companies unhone decide kiya ki ab jo hum apna foreign currency bhi generate kare so that we are able to fund our own imports. Right. So that's where these two investments, so we needed funds. And so. Chalein. आप सीरियस हो गए डिविडेंड वाले सवाल में. मैं एक्चुअली जरा जो जो मुझसे मशवरा मांगते हैं, मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं यार डिविडेंड वाले शेयर्स में जाओ. बट आई थिंक हेलियन द ब्रांड्स दैट यू आर मेंशनिंग एंड ऑल, आई थिंक एज आई सेड अ वेरी हाउसहोल्ड नेम्स. बट जो इसमें एक और अच्छी बात आती है दैट मेनी ऑफ दीज आर ओवर द काउंटर ड्रग्स. सो इसमें ड्रैप की वो जो रेगुलेशंस होती हैं रिगार्डिंग द प्राइसेस वो अप्लाई होती हैं क्या? सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स. सो देयर इज सर्टेन एसेंशियल ड्रग्स, देयर आर नॉन एसेंशियल ड्रग्स एंड देन देयर आर न्यूट्रास्यूटिकल्स. न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन या विटामिंस होती है. राइट. So the nutraceuticals are not price regulated. Mm-hmm. Non-essential are not price regulated, but essential are price regulated. So for example, मैं आपको इसमें example दूँ कि CAC 1000 plus या Panadol extra regulated नहीं है, but Panadol सादी जो blue वाली वो regulated. ये क्या game हो गई? क्या loophole दे दिया तो? Yeah. इसमें ना जो WHO की guidelines हैं. Right. कि जो essential medicine के अंदर जो single molecule products होती हैं, वो essential medicine होती हैं, वो आपको बनाना जरूरी है. इन पाकिस्तान वी अडॉप्टेड द होल ऑफ WHO लिस्ट. हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इसमें इंडिया, बांग्लादेश या इवन वियतनाम, इंडोनेशिया, उन्होंने अपने हिसाब से वो WHO की लिस्ट को अडेप्ट किया है, अडॉप्ट किया. बट इट्स अ जर्नी, वी हैव वेरी रिसेंटली मूव टूवर्ड्स इट. सो ये प्राइस रेगुलेशन साइड के, मगर प्राइस इज वन थिंग ओनली, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीजें होती हैं. एंड देन अगेन बींग MNC मल्टीनेशनल, देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट. जो पाकिस्तान की अगर स्ट्रिंजेंट है तो वील फॉलो दैट, और अगर ग्रुप की स्ट्रिंजेंट है तो वील फॉलो दैट. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, हेलियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 major कंपनीज. हम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन तो बात करते हैं, बट नोवार्टिस का जो ये CAC 1000 यूज्ड टू बी नोवार्टिस पोर्टफोलियो, दैट्स अ ह्यूज पोर्टफोलियो जो हमारे पास आया. देन देयर इज अ फाइजर पोर्टफोलियो जो पाकिस्तान में शायद अभी इस वक्त डायरेक्टली हम नहीं बेच रहे, बट ग्लोबली है, इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी आएगा, जिसमें सेंट्रम है, चैपस्टिक है, एडविल है. सो ये सारी प्रोडक्ट्स. So basically Helion is OTC or self-care portfolio of 3 major companies. GSK started this journey, and then Novartis acquisition, Pfizer acquisition. So we, that's how we became the largest healthcare या self care या OTC company in the world. Right. वैसे आपको पता है, आपने ये जामशोरो प्लांट का जिक्र किया. जी. मेरी जिंदगी का पहला फैक्ट्री विजिट जामशोरो के इस सैंडोज के प्लांट का था, क्योंकि मेरे चाचा इंजीनियर थे एंड हम बहुत छोटे थे. एंड ही टुक अस, ही सेड चलो यार आज हम एक ट्रिप पे चलते हैं. तो हमारा शायद छुट्टियां थी या क्या थी, एंड ही टुक अस टू जामशोरो एंड दैट वाज प्रीटी कूल. आई रिमेम्बर दैट. और वहां पे कुछ सिरप वगैरह भी बना करते थे, आई थिंक ट्राइमेनिक होता था, कौन सा आई डोंट नो, वो बनाया करते. पता नहीं अब होता है या नहीं बनता है यार, ट्राइमेनिक की रेंज बंद हो गई है. चैलेंज जी. बट अच्छा, बाय द वे एक मैसेज आया भाई, उन्होंने कहा व्हाट अ पावरफुल वॉइस क्वालिटी फरहान साहब हैव. You have a future in radio, by the way, Farhan. अच्छा जी, इन्होंने एक सवाल भी पूछा है, and I think, yeah, before we move towards the self-care part, I think this is a very critical thing. See, Farhan, the industry that you are operating in, see, these are not specialized, mostly specialized drugs and all. मैंने जैसे आपको बताया कि household names हैं. एक बहुत बड़ा issue जो इस household name drugs में होता है, ये the counterfeit drugs. So, क्या
अपने एंड पे भी कुछ काम करते हैं या गवर्नमेंट पे रिलायंस है टोटल? आई एम प्रीटी श्योर आपके जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होगा उसका काफी टाइम इन काउंटरफीट ड्रग्स वगैरह पे लगता होगा. टेक अस थ्रू व्हाट आर यू गाइस डूइंग अबाउट इट. सो देखें, तीन चार तरह की इंटरवेंशंस होती हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऑलवेज गवर्नमेंट. या ठीक है, हम उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं जहां पे हमें चीजें पता चलती हैं. दूसरा इंटरवेंशन है जो हम अपने तरफ से चेक करें अगर कहीं से भी हमें पता चलता है. तीसरा जो है हमारे ग्रुप की कुछ गाइडलाइंस हैं जो मुख्तलिफ इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलपिंग मार्केट्स और उनके साथ. अच्छा, हमें ये समझना जरूरी है कि पैनाडोल जब 6 बिलियन टैबलेट्स बेचते हैं, इसी तरह जो सिरप्स हैं तकरीबन भी 45 लाख सिरप बॉटल्स महीने की बेचते हैं पैनाडोल. यस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पैनाडोल. बाकी तो रेंज बिल्कुल बहुत बड़ी रेंज दूसरी भी है. बहुत सारा काउंटरफीट उन चीजों में आता है जो जहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा. अब ₹3.20 की जो गोली है पैनाडोल, दैट्स अ लार्ज स्केल टैबलेट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स का. वहाँ पे जो है ना काउंटरफीट में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सेफ कि वहाँ पे इतना काउंटरफीट का कोई इंटरेस्ट नहीं है. मगर आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट बहुत जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन होता है उस जगह पे जो है ना वो एक नीड बनती है. दूसरा जो चैलेंज है ना वो जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन वेरी रिसेंटली हुई जब उन्होंने कुछ डी कंट्रोल किया प्राइसें और जो प्राइसेस को और नॉन एसेंशियल को डी कंट्रोल किया, उससे फायदा ये हुआ कि जब शॉर्टेज होती है देन अगेन देर इज अ नीड जो निकल के आती है और हम उस पर काम. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आयोटेक्स हमने 5-7 साल से नहीं बनाया बिकॉज वी वॉन्टेड टू एंटर इन टू डिफरेंट रेट. आयोटेक जितना भी काले कलर का आयोटेक जिस दुकान पे भी मिल रहा है वो जाली. ये तो हैरानकुन बात है जी. वी हैव ट्राइड वर्किंग विद द ट्रेडर्स एज वेल, मगर क्योंकि हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो एक नीड बनी मार्केट के अंदर और वहां पे काउंटरफीट एंटर हुआ. 100% काले कलर का जो आयोटेक इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी दुकान पे बिक रहा है वो जाली. अच्छा, इम्पोर्टेड का भी चांस नहीं है कुछ? सो जो इम्पोर्टेड आयोटेक है, हमारे अपना ब्रांड है हर्ब एक्टिव के नाम से. हर्ब एक्टिव वो बेसिकली हर्बल है. ओके, सो अगर जो इंडिया या श्रीलंका से भी जो आयोटेक्स आ रहा है वो आयोटेक्स हर्बल तो एक नंबर है, ठीक है, जेन्युइन है. बट काले कलर का आयोटेक्स है ग्लोबली हमने बंद कर दिया. ग्लोबली बंद हो गया है तो भाई अब दुकान में जहां कहीं आपको आयोटेक्स नजर आए समझ जाएं कि ये एक फेक चीज है जिसको आपको खरीदना नहीं है. ऑल राइट, हमें अभी बढ़ना है ब्रेक की जाने. मुख्तसर से ब्रेक आजकल चल रहे हैं और तो एक छोटा सा ब्रेक है. फरहान मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद है, इज द CEO एंड जनरल मैनेजर हेलियन पाकिस्तान, फॉर्मली GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर. वी टॉक टू बिट अबाउट द कंपनी. थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया होगा हेलियन, जब आपने पहली बार नाम सुना होगा तो आपने कहा होगा यार ये कौन सी कंपनी है. बट जो ब्रांड्स के नाम मैंने डिलीबरेटली यहाँ पे कुछ दिए हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ एसेंशियल अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज. अब जरा हम आगे चल के ब्रेक के बाद टॉपिक चेंज करेंगे और वो क्या है आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद. बट फॉर नाउ वी मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक, कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट. आज हमारे साथ आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा प्रोग्राम में एक मेहमान मौजूद हैं. वी हैव गॉट फरहान मोहम्मद हारून, हु इज द CEO ऑफ जनरल मैनेजर हेलियन पाकिस्तान, जिनसे हमने अब से ब्रेक से पहले जो है जरा इस कंपनी का तारुफ आपके साथ किया. अब जरा हम आगे बढ़ते हैं. बाय द वे, फरहान इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, बाय हिज क्वालिफिकेशन. ACMA भी किया हुआ है, MBA भी किया हुआ है. कुछ और छोड़ दिया करने के लिए? अलमना है IBA के. अब IBA के, अब हम दोनों का डाकखाना वहां मिलता है जाके फरहान. लेकिन MBA कर, ये MBA CA के बाद किया या पहले किया? बहुत बात किया. आप इवनिंग प्रोग्राम वाले थे बेसिकली. इट्स नॉट जस्ट इवनिंग प्रोग्राम, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू माय MBA. ऑलराइट, पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस तरफ चले गया था तो आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2005. माशाल्लाह. IBA मैंने 11 में शुरू किया. आपने IBA जाने से फर्क पड़ा कुछ महसूस किया कि यार जिंदगी बिफोर एंड आफ्टर IBA वाज डिफरेंट? फर्क पड़ता है. एंड आई वांटेड टू गेट इनटू मार्केटिंग साइड ऑफ इट, एडवर्टाइजिंग साइड ऑफ इट, ब्रांड साइड ऑफ इट. जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साइड होती है वो इस तरफ थोड़ा सा लैक करते हैं. ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, P&L अंडरस्टैंडिंग तो बहुत स्ट्रांग होती है जी. बट आई थिंक IBA या MBA ब्रशेस अप योर स्किल्स टुवर्ड्स द सॉफ्टर साइड ऑफ. आई थिंक बिल्कुल. और हमने तो 4 साल वहाँ पे लगाए थे. बिल्कुल, आई थिंक योर पर्सनैलिटी रियली चेंजेस. बिल्कुल, एक बड़ा लंबा स्विच आता है. बट आई थिंक करियर के मिड में जाने के भी बड़े एडवांटेजेस और बड़े बेनिफिट होते हैं इस चीज में. एंड आई एम प्रीटी श्योर IBA में. सो यू वेंट टू द न्यू IBA राइट, पोस्ट डॉक्टर इशरत IBA. उस वक्त वो
कुछ बिल्डिंग्स बन रही थी पीछे, जो ग्राउंड है वो अभी बन रहा था, अभी पिच नहीं बनी थी. हम बड़ी फिट जगह बन गए. हम तो वाई भी जाते हैं, हम तो पहचानते भी नहीं है उसको. exactly. बड़े अजनबी सा फील करते हैं वहां पे. बट फरहान चलें अब जरा एक टॉपिक पे आते हैं जिसमें ऑफ कोर्स योर कंपनी रियली स्पेशलाइजेस ऑन दिस एरिया एंड ऑल. लेकिन ये भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा जी, 24 जुलाई इज द ग्लोबल सेल्फ केयर डे, अपना ख्याल रखने का दिन. मेरी जो बड़ी हमशीरा है उनकी बर्थडे भी बाय द वे 24 जुलाई को होती है. तो 24 जुलाई को मैं एक्चुअली कराची में होऊंगा नहीं, मैं पहाड़ों पे होऊंगा, इसलिए फरहान जो है पहले आ गए. तो उन्होंने कहा कि भाई जरा हम इसके हवाले से भी बात करते हैं. फरहान, सेल्फ केयर एक मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के वास्ते. इनफैक्ट मैं अभी ऑफ एयर आपको बता भी रहा था कि हम अपने भी लिसनर्स को थोड़ा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज खुद मुझे बड़ा शौक है एक्टिव रहने का. बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ केयर एंड सेल्फ केयर, इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन है. हम दो तीन, अगर आप मुझे दो मिनट दें तो मैं दो तीन सेग्रीगेशन. यू हैव ऑल द टाइम, एड्स बहुत कम है हमारे पास आज. अच्छा, दो तरह की सोसाइटीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं या नेशंस में जो फर्क है वो, एक है जो रीइंबर्समेंट मार्केट है और एक है आउट ऑफ पॉकेट मार्केट. राइट. रीइंबर्समेंट मार्केट वो है जहाँ पे मॉडर्न और डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे आपको दवा के पैसे नहीं देने. आउट ऑफ पॉकेट है जो हमारी जिम्मे मार्केट है, अल्लाह ना करेगा कोई प्रॉब्लम है तो वो दवा के पैसे आप नहीं और मैं नहीं अपनी जेब से देने. बिल्कुल. दैट्स वन डिफरेंशिएशन. सेकंड डिफरेंशिएशन इज प्रिवेंटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. ठीक. हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रिस्क्रिप्शन को नुस्खा भी कहते हैं, जो डॉक्टर का नुस्खा है. पर्ची भी कहते हैं, ये वो वाली पर्ची नहीं, डॉक्टर की पर्ची. सही है. सो जो नुस्खा है, जो पर्ची है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो तबीयत खराब होने के बाद इंटरवेंशन है. ठीक. Anything before that is preventive. For example, आपने health care, अपनी सेल्फ केयर के लिए vitamins ले रहे हैं और वेरी वेरी बेसिक दांत साफ दो बार कर रहे हैं, ओरल हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं दो बार, रात को सोने से पहले भी आप दांत साफ कर रहे हैं, दैट्स प्रिवेंटिव या दैट्स सेल्फ केयर. नाउ आउट ऑफ दीज फोर वेरिएबल्स जो कि मैंने आपको कहा कि जो रिइंबर्समेंट मार्केट या आउट ऑफ पॉकेट मार्केट, जो इंटरवेंशन है सेल्फ केयर की, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज फर्क पड़ता है. जिन जगहों पे, जिन कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट इज फंडिंग इट मेजरली, उधर सेल्फ केयर इज समथिंग दैट गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन. कि जितना ज्यादा सेल्फ केयर पे काम होगा, जितना ज्यादा आप हेल्दी खाना खाएंगे, जितना ज्यादा आप दौड़ेंगे, जितना ज्यादा अपने ख्याल रखेंगे, राइट, दैट्स वेयर द होल सेल्फ केयर बिट विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स जो यूरोपियन रेगुलेशन है रिगार्डिंग फूड एंड स्टाफ एंड मेडिसिन, दे आर प्रीटी स्ट्रिंजेंट. ऐसे ही है. अच्छा, होना भी ऐसे चाहिए. बिल्कुल. पाकिस्तान के अंदर बजट का जो अभी इस वक्त हम जो स्टेटिस्टिक है, मेरे ख्याल में 3% से नीचे जो है वो इन्वेस्टमेंट या जो खर्चा है जो लोग करते हैं अपने अपनी वेलबींग पे, जो प्रिवेंटिव होती है. अब आप देखें, आजकल इतनी गर्मी है, राइट, मलेशियन फटीक के लिए आज हमारा अपना जो अभी डिस्कशन हो रहा था, CC 1000+ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टू मेक श्योर दैट यू गेट ऑल योर विटामिन सी एंड एवरीथिंग एसेंशियल्स. राइट. अब ये एक जस्ट इंटरवेंशन है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ केयर. सो सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ. आप अपनी जितनी भी बेहतर वेलबींग है उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लें. राइट. एंड इंटरवेंशन कैन बी विद एंड विदाउट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल. थोड़ा सा सालों पहले चले जाते हैं जब हम कोविड था, हर तरह के, खैर उस वक्त व्हाट्सएप और सब आ रहे थे कि भाई आप ये पी लें तो नहीं होगा, ये खा लें तो नहीं होगा. But that's something which is not kind of self-care, but that's kind of self-medication. Right. Self-medication is not a good thing. We never provoke it. True. We never, uske liye hum kabhi bhi support to, endorse nahi karna chahiye. Bilkul aisa. But health, jo self-care hai, uske andar, for example, कितने लोग हैं हम लोग, अभी हमने दांत साफ की बात की, दो बार दिन में दांत साफ कर रहे हैं या एक्टिवली अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखने, which is the first line of defense, right? True. इसी तरह कितना जो है वो हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर
जो है वो रनिंग को रखा हुआ है या एक्सरसाइज को रखा हुआ है या मेकिंग श्योर कि हम बहुत ज्यादा चीनी ना लें या बहुत ज्यादा ऐसी चीज ना लें जो कि हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है. That's where when we start intervening, when we start making sure that we are able to eat better, eat healthy. अच्छा मैं ये नहीं ये नहीं कह रहा कि हम organic food and वो that's another level. वो बिल्कुल ऐसी है. That's another level. But taking care of your health is the most important thing in terms of self care. And इसके मुख्तलिफ फायदे जो है ना वो लॉन्ग टर्म में, अगर हमारे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जहाँ पे हमने अपने जेब से मेडिकेशन के देने, healthier life is just not saving you at the end of the day, right? In terms of medical intervention, जहाँ पे आपने दवाएं खुद लेनी पड़े या डॉक्टर के पास जाना पड़े and that खर्चा, but other than that, quality of life. बिल्कुल. And another one is के वो लोग जो individual जो है वो उनके लिए important है कि अगर कोई दिन में काम कर रहे हैं तो वो loss of earning also during the time when you are not well, productivity loss you know, and just feeling better. Yeah, seriously, I mean yehi cheez itni important hai. Aur main abhi recently, kyunki mujhe bhashan dene ka bahut shauk hai, aap sunte hi hai mera radio show. Abhi main ek dost ko bhi bhashan de raha tha, maine kaha yaar tu jo ye kharcha sab kiya ja raha hai, wo zara sehatmand ladka tha, maine kaha bhai weight lose karo apna. Usko main yehi bol raha tha, maine kaha dekh yaar koi fayda nahi in sari cheezon ka, tum bimar hoke pad jaoge to fir kya hoga. Aur aajkal यंग एजेस में कितने आप सुन रहे हैं जी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्टंट्स चल रहे हैं, 43-46 साल के लोग हैं जो आप सोचते भी नहीं थे इस एज में ये होगा सिलसिला. सो वैसे माशाल्लाह यू आर आल्सो वेरी फिट, टेल अस अबाउट योर ओन रूटीन, आपका अपना जो सेल्फ केयर का रूटीन क्या है? मेरे तो मुझे लगता है जीन्स में भी है, ये बड़े खुशकिस्मत हैं. हां अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम. सो वन दैट अदर देन दैट working for a self care company, जब एक बहुत बार वो जो आपको information भी रोज मिल रही होती है, अब आप मैं बताऊँ हम बहुत सारे लोग हैं जो कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट ले रहे थे, अगर आपके कैल्शियम सप्लीमेंट के अंदर विटामिन डी नहीं है ठीक, तो उसका कोई फायदा ही नहीं. ओके, वो आपने पिया और बस ड्रेन हो गया. विटामिन डी हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. ओके, सो अब वर्किंग फॉर अ सेल्फ केयर कंपनी, व्हेन यू गेट keep getting all those information that helps you at the end of the day. Yeah. Dusra, I go for swim. You go for swimming? Ji. All right. Nahi, वैसे एक और भी point है ना, अब self-care company का मोटा सा CEO बैठा हुआ होगा तो वो फिर एक गलत चीज आएगी ना. अब मुझे पता है अजीब सी बात है, मैं खुद PIA runs in my blood, लेकिन वो एक बार मैं गया था वो PIA में एयर होस्टेस की एक सीनियर ऑफिसर थी, वो खुद ऐसी थी, मैंने कहा यार ये क्या किसी को मोटिवेट करेंगी टू लूज द वेट, बट दिस आई थिंक रियली मैटर्स. आई मीन द पर्सनैलिटी ऑफ द CEO मस्ट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कंपनी एज वेल. आई मीन आपने कहा जी दो दफा, आई मीन योर आपके दांत अच्छे दिखने चाहिए, आई एम श्योर यू गो टू द डेंटिस्ट एंड ऑल, बिकॉज Helion has a major oral care, अगर हम उनके पोर्टफोलियो की बात करें, Sensodyne तो Sensodyne, Parodontics, पता नहीं कितने 90 परसेंट डॉक्टर्स रेकमेंड Sensodyne, 9 out of 10 डॉक्टर्स रेकमेंड Sensodyne एंड ऑल, वी यूज Sensodyne as well, by the way, it does help. तो चलें अब जो एक और फरहान सवाल आता है, मुख्तसर मैं इसका जवाब लूंगा बिकॉज आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक एंड देन वी कैन कैरी इट ऑन द डिस्कशन. सो हमने ज़ाहिर है इनका डिफरेंस तो समझ लिया कि जी हेल्थ केयर और सेल्फ केयर का जो है वो डिफरेंस क्या होता है, बट where do you think we lie in prioritizing this particular self-care? मैं सिर्फ individual level की बात नहीं कर रहा था कि individual level में बहुत काम करना है, सड़क पे कुछ भी चला फिरा खा लिया हमने, हम we never think about it, क्या नुकसान हो रहा है, क्या डल रहा है उसमें, but at the governmental level, naturally you interact with them and all, but do you really think the prioritization really exists, या कम से कम ये realization भी है हमारे यहाँ? चल realization तो है, मगर prioritization के हम let's be very honest, there are so many problems that, yeah. you know, the government has right now. हम जब, for example, अभी हम बात भी करते हैं जब government में जो मुख्तलिफ regulators के साथ, there are much bigger problems. अभी आप पाकिस्तान के अंदर जो prescription side है, या जो आप NICVD में जाके देखें, या आप जो जिना सिविल में जाके देखें, there are much bigger problems. Right. Important चीज क्या है कि एक understanding तो है. अच्छा important चीज क्या है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के साथ साथ द बिगर प्रॉब्लम इज कि हम एज एन इंडिविजुअल भी जो है ना वहां तक अभी जो है ना उसको इतना फोकस नहीं किया. आप घर पे हमारे औरतें, व्हेन यू इवन व्हेन यू टेल देम कि लिसन आपने व्हाई डोंट यू वॉक फॉर हाफ एन आवर, वो कहेंगे मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मैंने ये काम किया, वो काम किया, आप तो इसी में बैठे हुए, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल या जनरल इन द सोसाइटी.
जब तक डेलिबरेट आप अपने हार्ट बीट के साथ काम नहीं करेंगे, वो एक प्रॉपर हाफ एन आवर आपने वो वॉक नहीं की, तो वो एक्सरसाइज नहीं है. एंड देन एट अ लेटर स्टेज हमने देखा है कि ओबेसिटी, वाइटल्स के इश्यूज, वो सारे इस वजह से होते हैं कि हम अपने बॉडी के साथ जो है वो अपने हार्ट बीट के साथ, अपने एसेंशियल वाइटल्स के साथ वो काम नहीं कर रहे. सो इज द लाइफ स्टाइल जहाँ पे ये हमको चेंज लाना पड़ेगा. आप हैरान होंगे, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑर नॉट, द अदर डे आई वाज, मैं पराठा लेने गया था, सो आई वो मीठा सा लग रहा था. आई आस्क्ड द गाय एंड ही सेड के इसमें थोड़ी चीनी होती है. I never realized कि जो हम तवा पराठा लेते हैं उसके अंदर इतनी चीनी है. जबरदस्त. So but why? Do we need it? Yeah. So that's impacting us at a later stage in life, right? So ये खान साहब के पराठे हमारे कोयटा वाले, वो एडिक्शन ही इसलिए बन जाते हैं कि उसमें वो चीनी वाला फैक्टर होता है. अब आप कंट्री जाए ना तो वहाँ पंजाब में पराठों में चीनी डालने का सीन नहीं है, ऊपर से डाल देते हैं वो. लेकिन ये इसमें एडिक्शन है. इस पे एक और भी थ्योरी है कि सिर्फ इसमें चीनी नहीं डालते, सुना कुछ और भी है. हाँ, बट बारह हफ्ते हम बात नहीं करते. ठीक है, चले जी, अभी हम लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. फरहान हारून हमारे साथ मौजूद हैं, उस द सी ऑफ हेलियन पाकिस्तान, जिनसे हम सेल्फ केयर के हवाले से बात कर रहे हैं. इंशाल्लाह विल केयर कंटिन्यू आवर डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and we are into the final link of our Thursday's program. What a Monday-like feeling it is, Farhan, वैसे हो रही है ना? But the good thing is that Monday, Tuesday and then Wednesday, Thursday again. That means Saturday, Sunday again off. लेकिन खैर चले जी, great. Farhan Mohammed Haroon हमारे साथ मौजूद हैं, उस the CEO, General Manager, CEO and General Manager of Helion Pakistan, which was formerly GSK Consumer Healthcare. And हम बात कर रहे हैं इस program में, we were specifically touching upon the self-care part. और हमने differentiate भी किया between what is healthcare and difference with the self-care. इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमारा अपना क्या रोल है. अब देखिए फरहान, समझ में तो आ गया ना हमारा रोल क्या है सेल्फ केयर के हवाले से. वेयर डू यू सी द बैरियर्स, आई मीन व्हाट इज स्टॉपिंग अस? लाइक वी ऑल नो, किसी को भी बोले जी वॉक करना अच्छी बात है, कहेगा क्या जबरदस्त बात बोली है, लेकिन वी स्टिल डोंट डू दिस. व्हाट इज स्टॉपिंग अस? वॉक करने वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके अलावा जी जी, वॉक इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू जी. There are a lot of barriers. Yeah. एक economic barrier. Let's talk about it. Right now, in terms of CPI inflation, there is a lot of challenge. Electricity bills and जो challenges हैं. तो सबसे जो first barrier, economic barrier ये आता है कि when whatever time is available, people would want to make it more productive and more earnable, right? Yeah. दूसरा, in terms of सेल्फ केयर, जहाँ पे हम विटामिंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं, वहां भी जो है ना पीपल स्टार्ट डाउनग्रेडिंग देमसेल्फ्स बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक चैलेंज. दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल, हम लोगों ने हिस्टोरिकली जो देयर वाज अ लॉट ऑफ देयर वाज अ ह्यूज वेव ऑफ फास्ट फूड्स एंड क्विक, जल्दी से ड्राइववे से निकले, और दैट थिंग इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. वो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर आ गया. उसकी वजह से काफी चैलेंजेस इस तरह से हुए कि हमारे जो पाकिस्तान इज वन ऑफ द इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज, आई थिंक सेकंड या थर्ड, आई एम फॉरगेटिंग, बट इन द टॉप वन, जहां पे सबसे ज्यादा टॉप 3 में तो रहते हैं, टॉप 3 में रहते हैं. सो दैट देन एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं, जो फॉर एग्जांपल आपने लाहौर या मुख्तलिफ शहरों में देखते हैं, जब वो फॉग एंड स्मॉग एंड आई वाज कमिंग टू दैट. सो द चैलेंजेस है ना, वो एनवायरमेंटल, हमारे अपने लाइफस्टाइल, अपने इकोनॉमिक्स, वो सारे क्लब होके ना एट द एंड ऑफ द डे. एंड देन रात को सोने से पहले आइसक्रीम या मीठा या जरूरी नहीं है, right? नहीं नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल आप सही है. अच्छा, एंड देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स इन द सोसाइटी, देयर आर सर्टेन पीपल जो अपने लाइफस्टाइल में इन चीजों की इंटरवेंशन लेके आ गए हैं, राइट. उसके अंदर क्या नहीं खाना, किस तरह से आपने अपने रूटीन के अंदर लाना है. मैं एक वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन प्लानिंग, हमारी अपनी प्लानिंग के अंदर ग्रैन्युलैरिटी भी नहीं है ना. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज वॉक करना है या मैंने स्विमिंग करनी है या मैं दौड़ने जाऊंगा, right? कब, कितने बजे, कितनी बार, वो हमारी कल एवरी टाइम वी वुड से यार इस हफ्ते में करना, नेक्स्ट महीने से करना है, या इस पहली तारीख से करना. सो वो जो इंटरवेंशन है वो भी हम खुद भी नहीं कर पा रहे. तो डिफरेंट फैक्टर्स
चूंकि इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक से लेके हमने कभी देखा भी नहीं है लोगों को, राइट. मतलब हमने थोड़ी देर पहले भी बात भी की कि इवन वुमेन इन दैट सोसाइटी वो उस तरह से अपना रूटीन चेंज नहीं कर रही जो भी वो काम कर रही है. और देयर इज अ लॉट ऑफ लेबर वर्क, राइट, घर के अंदर जितने काम है वो सारे काम के बाद वो करना नहीं चाहती. बट इट्स दैट समथिंग वेयर वी विल हैव टू डिलिबरेटली प्लान इट एंड चेंज आवर लाइफ. True. I think that's a very critical factor. I think economics की जो आपने बात की और जो lifestyle वाला हमारे कुछ cultural चीजें हैं, like आपने बोला, मुझे याद है हमारे वालिद मरहूम, he passed away at a very young age, और मुझे याद है कि वो जब सालन आता था या निहारी आती थी कहते थे भाई रौनक नजर नहीं आ रही उस पर. रौनक मतलब कि वो तेल की एक लेयर जो है वो होनी चाहिए उसके ऊपर. एंड अब हम देखते हैं तो हमें अब डर लगता है. But I think थोड़ी बहुत realization भी है. So if I may ask you, what is Helion doing around this? Because देखिए आपने ये बताया ना आपकी products की जब हम range का हमने जिक्र भी किया, there is of course and that is what we are talking about, which is self care. और आपका तो पूरी product suite आपकी revolves around this entire concept के यार अस्पताल जाने से पहले हमारी ये products हैं and all. So what are you doing about it specifically other than just launching brands? जी, very very important question. Helion is actually working towards making sure that people take care of their own health. अपने खुद control, चाहे as a consumer हो, चाहे as a customer हो, और unfortunately as a patient. Right. It's important कि वो अपने control ले लें अपनी self care का. What Helion is doing is that very बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं intervention. First of all, जैसे ये self care day, basically right. It's a self care month, mm-hmm. which is ending on 24th of July, mm-hmm. which is the self-care day. Okay. Every year there are a lot of things, there are a lot of days jab hum ye karte hain. Isko commensurate karne ki zarurat ye isliye hai ki taaki bataya jaye logon ko ki kitna important self-care hai. Bilkul. So that's something that abhi hum jiske liye baithe hain. Magar we are working with healthcare professionals, we are working with government, we are working with pharmacists, we are working with individuals and actually telling them. Hamari jitni bhi propositions hain, wo sari wo hain jo jisme aap better everyday health ke liye kaam karein. All right. Our purpose is to deliver better everyday health with humanity. वो बेटर एवरी डे हेल्थ कैसे आएगी जब हम डॉक्टर्स के साथ काम करेंगे. हम लोग जो आपको बयान के बड़ी खुशी होगी इन टर्म्स ऑफ जो हमारे वेबिनार्स हैं, हम डॉक्टर्स के साथ जो ट्रेनिंग पे काम करते हैं, पाकिस्तान में लगभग 58,000 डॉक्टर्स हैं. इन वन ऑफ आर वेबिनार जो कि हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अचीव किया था, 13,000 रजिस्ट्रेशन थी एंड मोर देन 9,000 डॉक्टर्स वर एट in that webinar at one point of time online connected. Very interesting. Which means one out of maybe five or six, right? Okay. So we are working a lot in terms of a doctor education, जिसको हम HCP कहते हैं, healthcare professionals के अंदर pharmacists भी आते हैं. Pharmacists का भी बहुत बड़ा रोल है. जी, मैं specifically पूछना चाहूंगा pharmacists पे क्या focus है? Helion is also working with pharmacists. Pharmacy और doctors का जो फर्क है, doctor diagnostic के लिए की है एंड फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकेशन जो है वो कितना डोज होना चाहिए, क्या डिपेंडेंसीज हैं आपको, अगर खुदा ना खास्ता कोई और भी चैलेंजेस हैं उसका डोज कितना किस वक्त, ये असर्टेनमेंट जो है ना, ये सारा असर्टेन जो करता है वो फार्मासिस्ट करता है. वी आर वर्किंग विद फार्मासिस्ट एज़ वेल. अच्छा, जब इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ते हैं तो लोग पीपल डायरेक्टली गो टू द फार्मासिस्ट, राइट. अब फॉर एग्जांपल सर में शदीद दर्द है तो दिस इज वन वेरी सिंपल बेसिक सॉल्यूशन, इज पैनाडोल एक्स्ट्रा आप लें और यू नो स्टार्ट लिविंग अ बेटर लाइफ और स्पेंड अ बेटर डे. So we are working heavily in terms of doctor education, pharmacist education and consumer education as well. Hum right. consumer ke saath bhi directly reach out kar rahe hain mukhtalif platforms ke through and actually telling them. The last bit is that there are that in terms of not just in Pakistan and globally, Helion is also working towards better solutions. Mm-hmm. Oh, better solutions kya hai? For example, we don't talk a lot about it. Jaise Panadol menstrual pain hai. Yeah. औरतों के लिए अब नाउ राइट नाउ इफ फॉर एग्जांपल इफ अ वुमन जो कि अब पेन किलर वो ले रही है जो कि इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिड्यूस कर रहा है तो ओबेसिटी एट अ लेटेस्ट स्टेज आएगी. ओह यस. सो व्हाट हेलियन इज डूइंग इज हेलियन इज कमिंग अप विद द सॉल्यूशन व्हिच आर मच टारगेटेड सॉल्यूशन पैनाडोल माइग्रेन. अब माइग्रेन के अंदर आप जो भी सॉल्यूशन ले लें. सो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स बेटर एवरीडे हेल्थ. Right. So that people have those options and they are able to actually deal with those challenges themselves. So in terms of all education, in terms of helping individuals and also with the government. So we are working with different governments, mukhtalif countries mein mukhtalif government ke saath kaam kar rahe hain and actually working with them how they can also work towards self-care and, right. and reduce the investment that they have to do in terms of healthcare. जो 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 प्रिस्क्रिप्टिव हेल्थ केयर.
बिल्कुल, बट पब्लिक सेक्टर में क्या आप अगर देखें, यही तो आपने अपने एज ए इंडिविजुअल कंपनी जिक्र किया, बट पब्लिक सेक्टर में क्या आप कहेंगे गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशंस हो यार ये काम करें? आई नो गवर्नमेंट का सुनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को जाके बोले, क्योंकि हमारे यहाँ जरा फ्रीबीज बांटने की आदत ज्यादा है ना जी, फलाना कार्ड ले लो, ये उसकी भी अपनी जरूरत होती है जाहिर है, सर्टेन मार्केट सेगमेंट में जी हेल्थ कार्ड है, इंसाफ कार्ड है, व्हाटएवर दे कॉल इट, लेकिन सेल्फ केयर में ये चीजें अप्लाई नहीं होती, उसके लिए फिर एक अलग इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, तो क्या गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस का भी मौका मिला है देने को? हम लोग गवर्नमेंट के साथ तो काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है इस वक्त, गवर्नमेंट के साथ द बिगर फोकस इज एक्चुअली ऑन नॉट प्रिवेंटिव प्रिस्क्रिप्टिव, जहां वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, राइट, इन टर्म्स ऑफ policy making, in terms of legal intervention. अब policy making के अंदर ये है कि किस तरह से हम जो है वो improvement की तरफ आएं. For example, there's a huge platform, lady health worker platform. जी बिल्कुल. So we are working with the government, मुख्तलिफ टाइम से हमने काम किया कि किस तरह lady health worker, but there's a big difference between urban side and the rural side of Pakistan. So lady health worker are very pivotal. उन्होंने बहुत सारा काम किया and they're doing an amazing job. No doubt. So working with them कि किस तरह उनकी capability improve हो, किस तरह से वो जाके जब मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी में जाके बात करेंगी, काम करेंगी, तो इम्प्रूवमेंट आएगी जो कि लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट होगी, राइट, यंग बच्चों के साथ, यंग मदर्स के साथ, यू नो वो वाली चीजें जो है हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं. नॉट जस्ट दिस, वी आर ऑल्सो वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, यूनिसेफ, यूनिसेफ के साथ भी हम काम करें इंशाल्लाह, इन वेरी नियर फ्यूचर वी विल ऑल्सो बी शेयरिंग दोज डिटेल्स. वी ऑल्सो आर वर्किंग टूवर्ड्स एंगेजमेंट, जो किस तरह से रेगुलेशन के अंदर सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस दी जाए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यू नो प्रोडक्ट को लाने का प्रोसेस इम्प्रूव किया जाए, वो भी हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं. वी हैव माइल्स टू गो, मगर आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन. Great, that is great. Farhan, last question. Helion is a multinational operating in Pakistan. Right now, hume is baat ka andaaza hai ki Pakistan mein there are economic challenges and I'm pretty sure aapne zahir hai wo jo aapka ek Panadol wala case hua tha, us pe main detail mein nahi jaunga, but uske baad a big problem that you face must have been about the import of the input. I mean, zyada tar import chemicals, hum molecules bahar se hi China se import kar rahe hote hain, kahan se bhi aa raha hota hai. We have heard about a lot of multinationals quitting Pakistan as well. So tell us about how does Helion, your bosses, Lord Mountbatten sitting in UK, how does it look towards the Pakistan market? I mean, what's the level of commitment? What are your future plans for this country? Helion in some shape, size, form has always been there in Pakistan with these brands, right? Pakistan is one of the most important developing countries for us. We have shown it. पिछले तीन साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज या सेल्फ केयर कंपनीज, सेल्फ तो नहीं है, खैर फार्मास्यूटिकल कंपनी, दे वर लीविंग, वी केम अप विद एन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्टिंग. सो हम लोगों ने वो जो $12 million हैं, इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे, हमने अपने CMOs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिनके साथ करते हैं उनके साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की. सो वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस. वी आर 240 million पीपल. At the end of the day, this is a huge market size. It's just that if we are able to improve on in terms of our regulations, jo conducive environment ki jo hum baat karte hain, small changes and it'll help. But as far as Helion is concerned, Helion operates in about 170 plus countries. Mm-hmm. Pakistan, in terms of market share, in market and in terms of market size, maybe it's a household name. Yeah, national medicine. Wo ek generic naam bhi ban jata hai na. But other than that, we have been investing a lot. मैं आपको सिर्फ जो capital expenditure की बात की, in terms of people resources, इस वक्त Middle East Africa के अंदर nearly हर finance team और हर marketing team में पाकिस्तानी ऐसा बंदा बैठा है जो कि पाकिस्तान में काम करता था, right, और हमने export किया. So we have been exporting talents and a lot of them. Right. In terms of capability, अभी हमारी जो नई technology जो अभी हम पाकिस्तान में ला रहे हैं, that is the first time that would be in terms of manufacturing technology, in terms of quality management systems के जो processes हैं, we are the first ones that are bringing that into Pakistan. Okay. So we are very bullish. आप in terms of investment कह लें, जो people, capex, also in terms of R&D. Yeah. जब हमने अभी थोड़ी देर पहले CC 1000+ की बात की, पाकिस्तान के अंदर जो CC, पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कैल्शियम सप्लीमेंट जो हमारे ग्रुप के अंदर है, जितनी भी R&D हो रही है, वी हैव पार्ट, बट
most of that is actually being done in Pakistan. Okay. So in terms of technology bring jo hum leke aa rahe hain. So we are very bullish. That's great. Thank you so much, Farhan, for this bullish talk. Because zahir hai is waqt kahin se bhi koi positive cheez mile Pakistan ki economy ke hawale se, we should take it with open arms and all. But Farhan, thank you so much for taking out time. It was a pleasure having you in the studio and wishing you all the very best. And of course, this self-care month and the day that you are celebrating on 24th of July. Bahut bahut shukriya. Thank you so much, guys, for you as well as always for listening. This is the Sunrise Show. Adil signing out. Inshallah, meri aap logo se mulaqat hogi kal subah ek baar phir. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mera FM 107.4.